आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि OTT प्लेटफॉर्म पे और सिनेमा घरों में अगले महीने से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली कौन सा कंटेंट कहां पे रिलीज हो रही है और कौन से डेट पे आपको क्या देखने को मिलने वाला है, इसी बारे में जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि आपको सही तरीके से पूरी जानकारी मिल पाए। और आप अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्च के महीने में OTT प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। मार्च महीने में पहला OTT पे जो कंटेंट आने वाला है वो है वांडा सीजन का लास्ट एपिसोड, जो कि 5 मार्च को रिलीज होने वाला है। और फाइनली जो है आपको लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगा एक लंबे इंतजार के बाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ में। अगला डेट जो है वो है 8 मार्च और Z5 की तरफ से आपको देखने को मिलने वाला है द मैरिड वुमन। इसमें कहानी कुछ ऐसी रहेगी कि दो मैरिड वुमन है और दोनों आपस में एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं और शायद धीरे धीरे प्यार हो जाता है। लेट इट बी, पर ये कंटेंट Z5 की तरफ से, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल्ट बालाजी की तरफ से, तो आपको पता ही है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। चलो अगले कंटेंट की बात करता हूं कि 8 मार्च को ही जो दूसरा कंटेंट रिलीज होगा वो होगा बॉम्बे बेगम्स, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके लीड रोल में आपको देखे जाने वाली है पूजा भट्ट। और इस कंटेंट से सच कहूं तो मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने ट्रेलर देखा है कुछ खास नहीं लगा यार। इट इज नॉट अबाउट द मेल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सच बता रहा हूं ऐसा कुछ खास एक्साइटमेंट या फिर कुछ ऐसे थ्रिलिंग जैसा कुछ लगा नहीं कि आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ में, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा खास है। 12 मार्च को रिलीज होने वाली है कबूल है 2.0। ZTV पे ये सीरियल जो है काफी हिट चला था कबूल है, और उसी को जो है वेब सीरीज के तौर पर रिलीज किया जा रहा है। मुझे वैसे सच बताऊं तो कबूल है बहुत ही अच्छी लगी थी बिकॉज ऑफ दैट जोड़ी, और सेम स्टार कास्ट के साथ में ये वेब सीरीज रिलीज हो रही है, तो भाई मैं तो जरूर देखूंगा। आप देखने वाले हो या नहीं कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। 12 मार्च को एक और कंटेंट आने वाली है जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज होगी, और उस कंटेंट का नाम है टेडी। टेडी मूवी जो रिलीज होने वाली है वो तमिल और इंग्लिश सबटाइटल के साथ में आप देख सकते हैं। इसमें लीड रोल में देखे जाने वाले हैं आर्या, और साथ में ही देखे जाएंगे एक टॉय जो कि यार चलता फिरता सा खिलौना है, लेकिन ये हर क्राइम का विटनेस होगा। और इसे जो है लॉ अलाउ करती है या नहीं ये चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी फ्रेश कंटेंट है तो मैं तो देखने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ में। नेक्स्ट कंटेंट जो है वो है बेकाबू 2। बेकाबू 1 अगर आपने देखा है तो भाई काफी दमदार सा था, थ्रिल प्लस हॉटनेस, और एक नॉवल का सहारा लेकर के काफी दमदार सा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था। तो बेकाबू 2 रिलीज होने वाली है 15 मार्च, और इसको देखने के लिए जाना पड़ेगा आपको सेम प्लेटफॉर्म पे Z5 पे। Z5 में ये रिलीज होने वाली है 15 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ में, जो कि यार काफी धमाकेदार हो सकता है क्योंकि ये कंटेंट है जैक स्नाइडर्स, और ये HBO Max पे रिलीज होने वाला है 18 मार्च को। अब ये कंटेंट देखने का तो मन बहुत कर रहा है लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल है नहीं, क्योंकि HBO Max इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नो वरी यार टेलीग्राम बाबा जिंदाबाद शायद। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की शुरुआत होने वाली है, और वो रिलीज होने वाली है मार्वल यूनिवर्स की तरफ से, द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर। इसका पहला एपिसोड रिलीज होने वाला है 19 मार्च को, और आपको हर हफ्ते सिर्फ एक ही एपिसोड देखने को मिलने वाला है, यानी वांडा सीजन 1 के जैसे ही होने वाला है बॉस। वैसे आपको इस तरह की रिलीज पसंद आते हैं या नहीं यार जरा मुझे भी बताओ ना, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। मुझे चाहिए पूरा एक सीजन, पूरा का पूरा एपिसोड जिसमें मूड बन जाए कि हाँ मैं अगले सीजन के लिए वेट करते बैठूं। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ में, जो कि 19 तारीख को रिलीज होने वाली है। ये दूसरा कंटेंट है द वाइफ, और ये एक हॉरर कंटेंट है। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हॉरर को हॉरर जैसे रहने देना चाहिए, क्योंकि डर तभी लगता है जब कोई सरप्राइज आपको मिलता है। सो दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ में, वो है 26 मार्च, और इसमें रिलीज होने वाली है मनोज वाजपेयी की साइलेंस। मैंने सिर्फ इसका पोस्टर देखते ही एकदम दिमाग हिलसा गया कि भाई एक तो टाइटल सुनो क्या है साइलेंस, और उसके ऊपर फेस किसका है, मनोज वाजपेयी, यानी एक्टिंग स्किल कुछ अलग लेवल का देखने को मिलेगा। इनके साथ में को एक्टर आपको देखने को मिलने वाली है प्राची देसाई। तो ये कंटेंट जो है क्राइम थ्रिलर कंटेंट है, और इसको देख करके काफी मजा आने वाला है। 26 तारीख को एक और कंटेंट रिलीज होने वाली है जिसका नाम है पगलेट। भाई नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है क्योंकि पगलेट पंती करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और ये एक तरह की कॉमेडी मूवी रहेगी जिसको देखने के बाद आप बोलोगे चलो यार स्माइल करने का मौका तो मिला। बाय द वे ये पगलेट जो रिलीज होने वाली है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इसके अलावा दो और कंटेंट है जिसका अभी तक कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, और वैसे भी सोनी लिव कभी भी सही से डेट का अनाउंसमेंट नहीं करते। सो सोनी लिव के ऊपर में जो कंटेंट आने वाला है वो है लव जे एक्शन, और दूसरा जो कंटेंट आने वाला है वो है Amazon Prime पे मुंबई डायरीज 2611, यानी 26/11 का जो इंसिडेंट था उसी पे बेस कुछ एक कंटेंट हमें देखने को मिलने वाला है, पर अभी तक इसका कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो चलो ये सारी तो थी OTT पे रिलीज होने वाली कंटेंट। अब बात करते हैं थिएटर में, यानी थिएटर में अभी जो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में थिएटर वालों ने अपना गेट खोल दिया है और सारे मूवीज को वेलकम करना शुरू कर दिया है। तो आपको कौन कौन सी मूवी थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। सो मार्च में थिएटर में आपको जो पहली मूवी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 11 मार्च को
दोस्तों रूही। रूही एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जो कि आप कह लो कि एक तरह का स्त्री का सीक्वेंस है, और उसमें आपको देखे जाने वाले राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण, ये तीनों मिलकर के भाई आपको बहुत ही ज्यादा हंसाने गुदगुदाने वाले हैं, और जंप स्केयर की पूरी उम्मीद रखो क्योंकि डायरेक्टर वही है। अब बात करते हैं सेकंड मूवी की। सेकंड मूवी जो है वो है टाइम टू डांस, और ये होने वाली है रिलीज 12 मार्च को। और मुझे लगता है कि भाई जिगरा चाहिए भाई, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि सूरज पंचोली की अभी तक जितनी भी मूवी रिलीज हुई है उसके ऊपर में ऑडियंस की कुछ खास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला है, और ना ही उनके तरफ से कुछ ऐसा कॉन्टेंट आया हो जिसको हम बाद में भी देखने के बाद ये कहें कि भाई थिएटर में हमने मिस कर दिया और अगली मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगला जो डेट है उस डेट में थिएटर में भीड़ लगने वाली है, और वो डेट है 19 मार्च, और इस डेट को रिलीज होने वाली है मुंबई सागा, जिसमें आप लीड रोल को प्ले करते हुए देखोगे जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी, ये दोनों मिलकर के स्क्रीन पे करने वाले हैं धमाका और पब्लिक मारेगी सीटी। यकीन मानो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर के। और उसी दिन जो है दूसरी एक मूवी रिलीज होने वाली है, और वो मूवी है संदीप और पिंकी फरार, जिसमें आपको अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा दोनों देखने को मिलेंगे, और इनकी भी मूवी यार पिटने वाली है, बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है। हो सकता है कि कंटेंट अच्छा हो, लोग दोबारा से जाकर के देखेंगे थिएटर पे, दोबारा एंट्री मारेंगे मुंबई सागा देखने के बाद में। इसके बाद से डेट आती है 26 मार्च, और 26 मार्च को आपको देखने को मिलेगा थिएटर में गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, वैसे किंग कॉन्ग बोलने की आदत सी हो गई तो किंग कॉन्ग ही मुझे निकल रहा है। वैसे ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि अगर आपको 3D में देखने को मिला तो और भी मजेदार रहे। तो ये मूवी रिलीज होने वाली है, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देकर के जाएगी, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया हो जाए, क्योंकि गॉडजिला भी देखा है हमने और किंग कॉन्ग भी देखा है, और इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पे फाइट करते हुए देखना, मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग मैन, ह्यूज थिंग। इसके बाद से एक मूवी और है जिसका नाम है हाथी मेरे साथी, लेकिन इसका अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ये थिएटर पे रिलीज हो जाए अचानक से। सो ये था ओवरऑल इस मार्च महीने की पूरी कंटेंट की लिस्ट। आप कौन से कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आपके लिए कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसको आप OTT पे रिलीज होने का वेट कर रहे हो, और कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको आप थिएटर में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? मेरे तरफ से मानो तो आई एम एक्साइटेड फॉर गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग और दूसरा मुंबई सागा। भाई ये दोनों मूवी को छोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, रूही को कैसे मिस कर सकता हूँ यार, राजकुमार राव माई फेवरेट वन यार, 11 मार्च को वो भी देखना तो बनता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you, tata, bye, signing out and hasta la vista.